राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीने ही बाकी रह गए हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने अहम फैसला सुना दिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की जंग पर। जी हां, सचिन पायलट ने बैठक के बाद साफ तौर पर कह दिया है कि वह और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में देखा यही जा रहा है कि क्या एक बार फिर से सचिन पायलट खाली हाथ ही नजर आएंगे। दावे तो ये तक किए गए कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, वही फॉर्मूला राजस्थान में अपनाया जाएगा, जिससे कि सचिन पायलट भी कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री बनते हुए देखे जा सकते थे। लेकिन देखने को मिला कि सचिन पायलट के हाथों में लॉलीपॉप एक बार फिर से थमा दिया गया है। कांग्रेस से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें नसीहत दी कि सभी बातों को भुला दीजिए और आगे बढ़िए। तो वहीं राहुल गांधी और खड़गे ने बस राजस्थान के नेताओं को एकजुट होकर चुनाव लड़ने की नसीहत दी है। ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस नेताओं की जुबानी जंग पर एक बार फिर से रोक लगा दी गई है आलाकमान की तरफ से। आपको जानकारी दे दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की दिल्ली में हाल ही में एक बैठक हुई और यहां पर सचिन पायलट के लिए दो दिन चले अड़ाई कोस वाला ही रहा। गहलोत पायलट विवाद पर आलाकमान ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली और एक बार फिर से सचिन पायलट को एकजुटता का लॉलीपॉप और सरकार को रिपीट करने का झुंझुना पकड़ा दिया है। पार्टी ने पेपर लीक पर कानून बनाने की बात कहकर पायलट के सभी मुद्दों को हल करने का दावा किया है और हकीकत यह है कि सचिन पायलट को निजी सम्मान की लड़ाई हमेशा से ही इससे अलग थी। कांग्रेस थिंक टैंक ने गहलोत पायलट को शांत करने के लिए एक बड़ा मौका जो था वो गवा दिया है। ऐसे में दिल्ली बैठक से साथ ही यहां पर सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ की तरह कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती तो उनका सम्मान बना रहता और एकजुटता के साथ सरकार को रिपीट करने की कोशिश भी होती। हालांकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों को उम्मीद थी कि दिल्ली में बैठक में ऐसी ही कोशिश गहलोत और पायलट के विवाद को निपटाने पर की जाएगी, हालांकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। पायलट पहले ही डिप्टी सीएम रह चुके हैं, इसलिए उन्हें कोई सम्मानजनक जिम्मेदारी देकर राजस्थान में कांग्रेस की एकजुटता का रास्ता देखा जाता, हालांकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। और ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट के हाथों में एक बार फिर से लॉलीपॉप ही थमा दिया गया है। 2018 के विधानसभा चुनाव सचिन पायलट की अगुवाई में लड़े गए, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया गया। जुबानी वादा उनसे किया गया, लेकिन उस वादे को पूरा नहीं किया गया। 2020 में उनके बगावती तेवर देखने को मिले और उस वक्त देखने को मिला कि सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। मंत्रिमंडल विस्तार में भी पायलट के कुछ करीबियों को कम महत्व वाले मंत्रालय देकर और खुद को सचिन पायलट को खाली हाथ रखकर झुंझुना पकड़ा दिया गया है। 25 सितंबर की रात जो घटनाक्रम हुआ उसे देखते हुए पायलट समर्थक अब तक इसे आलाकमान का अपमान बताते हैं, लेकिन इसके बावजूद देखा जा रहा है कि पायलट को कुछ नहीं मिल रहा है। वह बार बार कार्रवाई की मांग करते हुए देखे गए हैं। अब देखा जाए यहां पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें नसीहत दे डाली है और अब केसी वेणुगोपाल का साफ तौर पर कहना रहा है कि पायलट के पेपर लीक और युवाओं से जुड़े जो मुद्दे थे उस पर विधानसभा में बहुत मजबूत कानून लाया जा रहा है। कांग्रेस बीजेपी के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाएगी और बड़ा सवाल यहां पर यही उठता है, क्या पायलट को इस बार भी कुछ नहीं मिलेगा? देखते हैं कि पायलट को लेकर यह कहा रहा है कि उन्हें सीडब्ल्यूसी में जगह मिल सकती है या फिर प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया जा सकता है, क्या वाकई में पायलट को कोई बड़ा पद मिलेगा या फिर नहीं, या फिर एक बार फिर से पायलट खाली हाथ ही नजर आएंगे। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।